हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1 घन और घनमूल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्रश्न नंबर 1 में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? हमने ये बताना कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? जैसे 216, इन्होंने क्या दे दिया? 216। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 पर चलेगा 108, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग होता है। और अभाज्य संख्याओं का मतलब बच्चों, पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ऐसे हमने अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है। इकाई का अंक 2 से भाग होता है, 2 से होगा, इसका भी 2 से होता है, 2 पर विभाजित, फिर 2 पर। अब इकाई का अंक 7, इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, तो 3 से। 3 का अर्थ बच्चों अंकों का योग कर लेंगे, 7 और 2 9, 3 पर चलेगा 9, फिर 3 पर, और लास्ट में 3 1। यानी हम कह सकते हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसमें हमने ये बताना था कि क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, यानी कौन सी संख्या है पूर्ण घन है या नहीं। अब हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड हमने इसके बना दिए, तो क्या करेंगे? इसके त्रिक बना लेंगे, तीन तीन के जोड़े, 2 में 3 का जोड़ा बन जाता है त्रिक, ऐसे ही 3 का ही बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब पूरे पूरे तीन तीन के जोड़े बढ़ जाते हैं या त्रिक बढ़ जाते हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। यानी जब तीन तीन के पूरे जोड़े बढ़ जाते हैं तो पूर्ण घन संख्या है। अब हमें बच्चों दूसरा देखते हैं, 128, इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड 128, ऐसे ही 128 के बना लेंगे, 2 पर, इकाई का अंक 2 से होता है, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, 4, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? 128 बराबर अभाज्य गुणनखंड 128 के 2 × कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब इसमें तीन तीन के जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन जाता है 3 का, एक जोड़ा ये बन जाता है 3 का। इसका अर्थ ये एक ऐसा युग्म बसता है जो कि एक त्रिक में नहीं है, यानी अकेला सिंगल सिंगल डिजिट बसती है 2, इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं। यार ऐसे ही बच्चों हमें देखेंगे इसमें थर्ड, इसी का थर्ड, थर्ड में 1000, बिल्कुल वही तरीका, 2 पर चलेगा, फिर 2 पर चलेगा, फिर 2 पर चलेगा, अब 2 पर नहीं चलेगा, 3 पर,
नहीं चलेगा क्योंकि अंकों में योग आठ आता है। पांच पर, अब पांच पर और लास्ट में पांच पर, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 1000 बराबर 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यानी एक त्रिक तो ये बन गया, 1 3 का युग्म और एक त्रिक ये बन जाता है। तो इसका मतलब है पूरे 3 3 के जोड़ों में है, इसलिए यह पूर्ण घन है, यानी जो ये संख्या बच्चों ये पूर्ण घन है। ये था आपका पार्ट थर्ड। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, यानी हम ये कह सकते हैं प्रश्न नंबर 2, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे 243, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 243, तो हम क्या करेंगे 243 के अभाज्य गुण घट, सबसे पहला वही काम। 2 पर इकाई का अंक नहीं होता, नहीं होगा, अंकों का योग 4 2 6 3 3 3 पर होता है 81, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर और लास्ट में फिर 3 पर, यानी 243 के अभाज्य गुणनखंड ये बने। अब इसमें त्रिक देख लीजिए, यानी पूरे युग्म जो 3 3 के जोड़े हैं, जो 3 3 के जोड़े हैं उसके अंदर हमें त्रिक देख लेंगे कि कितने त्रिक बनते हैं, पूरे 3 3 के कितने त्रिक हैं, यानी इसका ये एक पूरा 3 का हम कहेंगे 3 × 3 × 3 एक त्रिक, दूसरा त्रिक हमारे पास नहीं है। इसका अर्थ बच्चों यहां पर 3 का जोड़ा कब बनता, 3 का जोड़ा कब बनता, जब यहां 1 3 और होता। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर क्लियर है, इसलिए इसको किससे गुणा करनी चाहिए, इसलिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का मतलब होता है बच्चों जो भी पूछी गई है बराबर 3, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3, क्यों, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे यदि संख्या को, यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यानी इसका अर्थ अभीष्ट संख्या जो पूछी गई है वो कितनी है 3, इसलिए इसको 3 से गुणा करने से एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अब सेकंड पार्ट 256, सेकंड पार्ट देखते हैं 256, ऐसे ही सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से होता है, 128 फिर 2 पर, इकाई का अंक 2 से होता है, इकाई का अंक 4 है फिर 2 पर, इकाई का अंक 2 है फिर 2 पर, और इकाई का अंक 6 है फिर 2 पर, और ये 2 × 4। अब बच्चों यदि हमें 256 के अभाज्य गुणनखंड देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाते हैं 2 × 2, अब हम इसमें देखेंगे कि कितने त्रिक बनते हैं, 3 3 के जोड़े, 1 ये बन गया पूरा 2 × 2, 1 2 3, यानी 1 यहां तक बन गया। अब बच्चों इसमें देखिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल वही तरीका, 2 × 2 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं ये पूरा त्रिक बन जाएगा, पूरा त्रिक बनेगा, और जब पूरे त्रिक होते हैं वो क्या है, जो 3 3 के पूरे जोड़े होते हैं वो एक पूर्ण घन संख्या होती है, इसलिए इसको किससे गुणा करनी चाहिए, 2 से, इसलिए हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट का अर्थ मैंने अभी बताया था जो पूछी गई है,
इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर है दो। अब बच्चों इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं, 72 बिल्कुल वही तरीका, ऐसे ही सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड दो पर, क्योंकि इकाई अंक दो से होता है, इकाई अंक दो से होता है, दो से फिर नौ, तीन और अब तीन पर एक। अब 72 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन, अब वही त्रिक देखेंगे कि कितने बनते हैं, एक ये तीन का पूरा जोड़ा बनता है एक त्रिक, दूसरा त्रिक पूरा नहीं है, इसका अर्थ इसको किससे गुणा करनी चाहिए, तीन से, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर है तीन, यानी अगर हम इसको तीन से गुणा कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न नंबर तीन, तीन में क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पहले हमने दूसरे प्रश्न में गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, इसमें भाग करने पर, तो देखते हैं प्रश्न नंबर तीन का पार्ट फर्स्ट 81 बिल्कुल वही तरीका 81 का अभाज्य गुणनखंड तीन पर, दो पर नहीं चलेगा, 27 नौ फिर तीन पर चलेगा एक, यानी 81 के अभाज्य गुणनखंड अब बच्चों चेक करते हैं, 3 3 9 9 27 27 81 बिल्कुल सही, तीन का पूरा जोड़ा या त्रिक, एक त्रिक ये पूरा बनता है। अगर ये तीन नहीं होता तो ये पूर्ण घन संख्या थी, या हम कह सकते हैं इसलिए अभीष्ट संख्या लिख देंगे। अभीष्ट का अर्थ चाहे गुणा पूछी है चाहे भाग पूछा है, अभीष्ट का अर्थ है जो संख्या पूछी गई है, अभीष्ट संख्या बराबर है तीन, यानी यदि हम इस संख्या को तीन से भाग दे दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। जैसे अगर तीन से भाग देते हैं, तीन से बटा में तीन करेंगे तीन कैंसिल, या 81 को तीन से भाग देंगे 27, 27 पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही हम देखते हैं इसका पार्ट सेकंड 128 दो पर, इकाई अंक दो से होता है दो पर चलेगा, फिर दो पर इकाई अंक दो से होता है, फिर दो पर इकाई अंक दो से होता है, ऐसे ही फिर भी दो पर चलेगा, इकाई अंक दो से होता है, फिर दो पर दो और ये, यानी 128 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 सात, एक त्रिकीय पूरा है, एक त्रिकीय पूरा है, एक बचता है दो, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर क्या हुई बच्चों, दो, इसलिए अभीष्ट संख्या दो, यानी दो से यदि हम इसको भाग दे दें यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और बच्चों हम इसी का देखते हैं पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट 135 बिल्कुल वही तरीका, दो से देखते हैं नहीं होगा भाग, तीन से 4 5 9 हो जाएगा, 3 4 12 फिर तीन पर, फिर तीन पर और यहां पर पांच, या हम कह सकते हैं 135 बराबर 3 3 3 × 5, या अगर पूरे त्रिक की बात करते हैं ये तो एक पूरा त्रिक है, अगर हम इसको किससे भाग देते, पांच, यानी अगर पांच नहीं होता तो ये एक पूर्ण घन संख्या होती, इसलिए अभीष्ट संख्या
बराबर क्या आएगी बच्चों, पांच। यानी यदि हम इसको पांच से भाग दे दें यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। प्रश्न नंबर एक चार, इसमें क्या है बच्चों, प्रक्षित एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यानी हम कह सकते हैं बच्चों घनाभ का आयतन। प्रश्न नंबर चार, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 2 गुणा 5, या हम कह सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2 घन सेंटीमीटर, यह उसका आयतन है। अब बच्चों इसमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए, इसलिए घनाभों की आवश्यकता एक पूर्ण घन बनाने के लिए बराबर, यहां पर 5 गुना 5, अगर 1 5 की ओर गुना कर दे तो इसका अर्थ एक पूरा त्रिक बन जाएगा, यानी पूर्ण घन बन जाएगा। 1 2 है, अगर 2 गुना 2 और गुना कर दें ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। ये हम कहते हैं 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी, 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चों 20 से गुना करते हैं ये पूर्ण घन बन जाता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 और आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।